एक बहुत ही मस्त जगह पे आए, मुंबई में फर्स्ट टाइम इस टाइप की कोई चीज आई है। तो क्या बोलते रुपेश, कैसा लगा तुम्हें? बहुत एक्साइटमेंट है आज, बहुत मतलब फर्स्ट टाइम मैं अली बाग बहुत बार गया हूँ, लेकिन ये बोर्ड से नहीं, ये बोर्ड अभी दो तीन महीना पहले चालू हुई गणपति के टाइम। एक्चुअली जो बोर्ड में पहले अली बाग अपन जाते थे ना, वो देखो वो ये सब बोर्ड रहती थी, यहाँ पे जो नॉर्मल मछुआरे वाले की बोर्ड कैसी रहती है, ये बोर्ड रहती थी। तो ये एक बेसिक बोर्ड बैठी थी। वैसे तो ये बोर्ड से गया है क्या कभी अली बाग? ये बोर्ड से गया हूं ना, कितना लेती है? ये बोर्ड कितना रुपया लेती है? कोई लेता 150 लेता है, 170 लेता है, ये 170 तक भी लेती है। तो 170 तक भी लेती है ये वाली बोर्ड। एंड कितनी देर में पहुंचाती है अली बाग? ये टाइम देती है तेरा कुछ लेती है टाइम, 1 घंटा या डेढ़ घंटा लेती है। बहुत दो घंटा जी, तो समझ लीजिए एक और आधा घंटा लेती है। अभी हम जो बोर्ड के अंदर है इसकी स्ट्रक्चर देखिए आप, ये देखिए एक क्रूज शिप है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं, उस बोट के अंदर गाड़ी नहीं लेके आ सकते। तो इस बोट में आपको ये एक फैसिलिटी है कि अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर आप लेके जा सकते हो अली बाग तक, जो कि मुंबई से है 120 किलोमीटर। एंड प्लस ये एक क्रूज है, मतलब क्रूज समझते हो आप, एकदम लग्जूरियस बोट। तो चलो ये बोट का एक छोटा सी टूर दे देता हूँ मैं आपको। और राइट नाउ हम ये फेरी के अंदर जा रहे हैं, एंड ये मेरी बाइक है, हमने बाइक की भी टिकट ले ली है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फेरी की जो टिकट है 300 रुपीज़ है पर पर्सन, एंड एक्स्ट्रा बाइक का 200 रुपया। और अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो उसके बहुत अलग अलग वेरिएंट है, मैं बता दूंगा उसके अंदर। हियर वी गो, अमेजिंग अमेजिंग, यहाँ पे लगता चेकिंग है। ओके, तो यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं हुई है, जस्ट अगर बहुत सारी बाइक आ जाएगी तो सही से मैनेज करने के लिए वहाँ पे पब्लिक थी। ओह माय गॉड। हाँ, बोर्डिंग पास। ओके, अमेजिंग, एक नंबर, क्या है यार ये। अब मुझे ये नहीं पता है कि बाइक अंदर कहाँ पे खड़ी रहेगी, कैसे जाएगी। बहुत स्लिपी है। ये शिप चालू हो चुकी है, वो गेट बंद हो रहा है, वो गेट से सारी गाड़ियाँ यहाँ पे अंदर आती है, बाइक्स नीचे रहती है, गाड़ियाँ बीच में रहती है। एंड जो पब्लिक है, ये जो साइड के ब्रिज है वहाँ से चढ़ के आपको जिधर जाना है वहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो, ऊपर जाना है ऊपर जा सकते हो, अंदर एक लग्जरी लाउंज है तो वहाँ पे भी जा सकते हो। आई नो कि अभी आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, इंजन एकदम जोरों शोरों से चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जेट इंजन है, इस तरह से आवाज़ आ रही है। तो अभी हम ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने साउंड है ये म्यूट कर दिया है, कॉज इंजन की इतनी आवाज़ है कि आपको मेरी कोई आवाज़ नहीं आती। ये ग्राउंड फ्लोर से आपको एक स्टेयर लेके जाएगा मिड अपर फ्लोर तक, यहाँ पे ये देखिए ये पूरी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती है। एंड सामने एक नैरो सा पैसेज है जहाँ पे आप समुंदर की बहुत ठंडी ठंडी हवाएं और अच्छे नज़ारे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा स्टेयर्स आ जाता है जहाँ पे आपको ये अपर डेक तक लेके जाएगा। अपर डेक एक बहुत ही बड़ा डेक है जहाँ पे बहुत सारी सीटिंग अरेंजमेंट है। ये देखिए सामने जिस तरह की सीट है, ये अपना सामने टकला रूपेश, बाजू में डस्टबिन जहाँ पे आप साफ सफाई का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसके लग्जरी लाउंज के अंदर जो कि बहुत ही शानदार बनाया गया है। जैसे आप इसके अंदर एंटर करते हो तो ये फुली एयर कंडीशन है, तो जो बाहर की हीट है उसको बीट करने के लिए सबसे बेस्ट है। वन डाइट कोक। ये लाउंज है एम टू एम फेरी का, और ये लाउंज की जो सबसे बेस्ट पार्ट है कि अगर बाहर गर्मी है तो यहाँ पे फुल एयर कंडीशन है, आराम से आके बैठ सकते हो, अच्छी गद्दे वाली
अच्छी गद्दे वाली सीट है, एकदम लग्जरी है। और एक चीज़ बहुत अच्छा है, ये ऑलमोस्ट एक तरह से साउंड प्रूफ कैबिन है, तो बाहर का जो इंजन का साउंड है वो नहीं है। और यहाँ पे खाना जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, इट्स क्वाइट कॉस्टली। सबसे बेस्ट चीज़ है ना वो ये कोक है, ये बाहर भी 40 की मिलती है, यहाँ पे भी 40 की है। डाइट कोक है, ज़्यादा अच्छा है। तो अगर कभी आप आओ तो ये 40 रुपये की चाय लेने से अच्छा है ये 40 रुपये का कोक का डब्बा लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाय नहीं है, कॉफ़ी है ये। तो क्या आप अपने कैमरे में टेस्ट करके देखेंगे ये चाय ये कॉफ़ी है? तो आइए चलिए देखते हैं यहाँ पे वॉशरूम कैसा है। जैसे ही आप लाउंज के अंदर एंटर करोगे तो राइट साइड के अंदर ही वॉशरूम है, और ये पूरा हाइजीनिक पूरा क्लीन है। जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि ये रोज़ सैनिटाइज होती है पूरी की पूरी शेप। एंड जो वॉशरूम है हाइजीन तो है ही, बट यहाँ से जो नज़ारा दिखता है आहा, क्या बात है कि इतना खूबसूरत दिखता है कि क्या। और जैसे मैं वॉशरूम के बाहर आया और देखा कि वेदर पूरा के पूरा ख़राब हो चुका है। तो ये सबसे ऊपर वाला टैंक है, एंड ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो कैप्टन साहब है वो रहते हैं हमारे। एंड नीचे पहला माला है, ऊपर दूसरा माला है, और जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी है। एक लौटी क्रूज है पूरे मुंबई के अंदर, आई होप कि ये लास्ट क्रूज ना रहे, इसके बाद और भी अच्छी क्रूज हमें देखने मिलेगी जो बहुत ही सस्ते के अंदर मुंबई टू गोवा, मुंबई की बहुत सारी ऐसी चीज़ें दीव दमन वहाँ तक की जर्नी शुरू करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बहुत परेशान है यार। और अगर आप देख रहे होगे ना तो उस साइड के अंदर यहाँ पे एक एमरजेंसी बोर्ड है जिसके अंदर यामाहा की मोटर लगी गई है, तो कभी ये टाइटैनिक के जैसा कहाँ से भी टकरा जाता है और डूब जाए तो ये बोर्ड हमें काम आएगी। अभी इसके अंदर तो खुद ही दरिया बता है। और सच बताऊँ तो मैं अपनी लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम कोई क्रूज के अंदर बैठा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। एंड ये देखिए क्या नज़ारा है, ये ट्रेस अच्छी दिखी। तो ये उसका एक बहुत ही बड़ा गेट है और आगे ये पूरी गाड़ियाँ है और सामने अभी गेट खुलेगा, तो अभी वहाँ से हमें गाड़ी निकालनी। आगे हम इसको छोड़ के चले, एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लेकिन ये डेली ट्रैवल करने के लिए नहीं है, जो अलीबाग में रहते हैं मांडवा में रहते हैं मैं उन्हें सजेस्ट नहीं करूँगा। ऐसे ही आप इस बोट से निकलोगे ये है उसका लायक बाहर निकलने का रास्ता, और ये देखिए समुंदर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो फाइनली हम मांडवा पे पहुँच गए, ये है मांडवा जो पोर्ट है, ये बहुत ही खूबसूरत ये भी बनाया है जैसे कि भावका रखा है। एंड एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि फेरी के अंदर बहुत मज़ा आया, बहुत ही जल्दी से ये ख़त्म हो गई। मुंबई ने कभी इससे अच्छी शिप नहीं देखी होगी, ट्रैवलिंग जो शिप इसे कहते हैं पैसेंजर शिप, बहुत अच्छी है। एंड जो इसका एसी का कैबिन है वो भी बहुत अच्छा है, खाना पीना थोड़ा महंगा है लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वन टाइम आपको ये विजिट करना चाहिए। नो कि मैंने ये शिप को सही से शूट नहीं कर पाया, कॉज बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत वेदर ख़राब था, बरसात आ रही थी जिसकी वजह से मैंने शूट सही से नहीं कर पाया। लेकिन जैसा भी किया, अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक और बात, ये पार्ट वन है जिसके अंदर मैंने शिप बताया हूँ, पार्ट टू के अंदर जब आप मांडवा उतरते हो तो यहाँ पे क्या क्या अट्रैक्शन है, अलीबाग आप कैसे जा सकते हो, पूरा कितने सारे बीचेस है यहाँ पे ये बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून, पार्ट टू बहुत ही जलाएगा।